आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत बस स्टैंड के समीप से दो युवकों को पकड़कर स्थानीय व्यापारियों ने सिविल लाइन थाने को सुपुर्द किया है। इस दौरान एक व्यक्ति ने दोनों युवकों द्वारा ब्लैकमेल करते हुए 2 लाख रुपए मांगने का आरोप लगाया है। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। घटना के संबंध में बस स्टैंड में टायर दुकान संचालित करने वाले संतोष गुप्ता ने बताया कि उनके भांजे शिवम गुप्ता से यह दोनों युवकों द्वारा बीते कई दिनों से 2 लाख रुपए की मांग की जा रही है। संतोष ने बताया कि दोनों युवकों का कहना है कि शिवम की कोई वीडियो इन दोनों के पास है, जिसके एवज में पैसे मांगे जा रहे हैं। पैसे नहीं देने पर वीडियो वायरल किए जाने की धमकी दी जा रही है। संतोष के मुताबिक दोनों युवक 50,000 रुपए पूर्व में शिवम से ले चुके हैं, जबकि 2 लाख रुपए की अलग से मांग की जा रही है। युवकों द्वारा अब तक किसी भी प्रकार के वीडियो पुलिस के सामने नहीं लाए गए हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं दोनों युवकों को बस स्टैंड से घसीटते हुए पैदल व्यापारी सिविल लाइन थाने ले जाकर वहां दोनों को पुलिस को सुपुर्द कर दिया है। इस दौरान थाने में भारी भीड़ एकत्रित हो गई थी। मेरा भांजा है ये, शिवम, मेरा संतोष कुमार गुप्ता नाम। ये जो एक्चुअली इसको जो पकड़ के लाए हैं, ये अभी आज 2 लाख रुपए आज 5 दिन से मेरे भांजे को तंग कर रहा था। इसके पहले ये आज से 15 दिन पहले 50,000 रुपए ले गया था, और ये कहता है मेरे पास तुम्हारी कोई रिकॉर्डिंग है, ब्लैकमेल कर रहा है, ऐसे करके 50,000 रुपए ले जा चुका है। अब 2 लाख के लिए ये आज 5 दिन से तंग कर रहा था, तो आज इसको बुलवाए। हम लोग इधर साइड साइड में खड़े थे और ये जो आया उसको पकड़ के यहाँ आया। अब वो ब्लैकमेल कर रहा है, इसके पास क्या रिकॉर्डिंग है, क्या अभी यहाँ भी बोल रहा था आप लोगों के सामने भी, अभी किस बात की लगातार कर रहा है, ये अभी पूरा हम नहीं जानते हैं किस बात को लेके प्रॉब्लम है, क्या रिकॉर्डिंग है, किस क्या कह के किस मैटर में ब्लैकमेल कर रहा है। शिवम जी ले चुका है उच्च अधिकारियों से इस मामले में अवगत कराया है। अभी क्या हुआ, फिर भांजे को जब 5 दिन से ये कह रहा था कि मेरे को 2 लाख रुपए दो। अब 2 लाख रुपए के लिए ये लड़का अभी 2 दिन से भोपाल भाग गया था भांजा, वहाँ मेरी भांजी है, फिर वहाँ उसको भेजा, वहाँ जाके उसने उसको बताया कि मेरे को एक लड़का है जो रीवा का है, ब्लैकमेल कर रहा है, ऐसे करके मेरे से 50,000 ले चुका है। अब 2 लाख के लिए वो इतना तंग करके रखा है कि मैं परेशान हूँ, मतलब मेंटली इतना डिस्टर्ब था लड़का 2 दिन से। कहाँ से कहीं दुकान है आपकी? यहाँ मेरी अपनी टायर का काम है मेरा। टायर का काम, टायर, ये लोग कौन है, इनको नहीं पहचानते हम लोग, हम नहीं पहचानते, पहली बार हम अभी हम देखे हैं, मिले हैं। जब ये पैसे कहाँ से पकड़े, कहाँ से पकड़ा, ये कलेक्टर के पीछे जब आया ये बोला, यही हुआ कि आप बुलाओ तुम उनको भाई, पैसा देना तो बुलाओ, तो उसने बुलाया, उसकी हिम्मत हो गई, अभी तक अकेले पड़ता था। कहाँ जा रहे हैं? हम लोग अकेले मतलब इधर उधर आ गए, ये मेरा छोटा भाई भी आ गया, पकड़ लिए, भाग रहा था, बड़ी दिक्कत हुई भाई, भाई साहब लोग कई लोग आ गए, सब लोग साथ में, फिर पकड़ गए, उनको बुलाइए तो सही इसको। अभी आप लोग को धमकी भी दे रहा था, आप लोग थाने लेकर के आए? हाँ, तो धमकी तो अब उसका काम, वो क्रिमिनल है मेरे ख्याल से, विचारधारा के, अब जो काम कर रहा है तो है, तो ऐसे